नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू 2023 बजाज डोमिनार 400 E20 मॉडल के बारे में। और आज मैं इसका एक फुल डिटेल वॉकआउट और रिव्यू करने वाला हूँ। बाकी 2023 में इसमें आपको क्या क्या नया अपडेट देखने को मिल रहा है, कितना ऑन रोड प्राइस है, कितना माइलेज आप इस बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो और कितना कलर वेरियंट के साथ आ रहा है, तो सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू रुल्टा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप रुल्टा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें क्या क्या नया अपडेट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको E20 का अपडेट देखने को मिल रहा है। तो E20 का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बेसिकली आप E20 फ्यूल इसमें डाल सकते हो, और ऐसा बात नहीं है कि आप नॉर्मल फ्यूल इस बाइक में नहीं डाल सकते हो। तो नॉर्मल फ्यूल से भी ये बाइक चलेगा बिना दिक्कत के, इंजन में भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। नॉर्मल फ्यूल से भी आप इस बाइक को डेफिनेटली चला सकते हो। और E20 फ्यूल अभी आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं, बहुत कम जगह अवेलेबल हुआ है। तो डेफिनेटली आप E20 फ्यूल और नॉर्मल फ्यूल बोथ फ्यूल से आप इस बाइक को चला सकते हो। उसके साथ साथ ये इंजन जो है अभी BS6 फेज 2 अपडेट के साथ आ रहा है। उसके साथ साथ इसमें आपको OBD2 का भी अपडेट मिल चुका है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो OBD2 है वर्सन का स्टिकरिंग यहाँ पे लग चुकी है। और ऑन रोड प्राइस, इसके पहले मैं एक बार इसका एक शोरूम प्राइस बता दे रहा हूँ, 229,781 रुपीज़ के आसपास इसका अप्रॉक्सीमेटली एक शोरूम प्राइस है कोलकाता का। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 279,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इसका ऑन रोड प्राइस है। बाकी आपको अगर इस बाइक को लेना है या फिर टेस्ट ड्राइव चाहिए तो डेफिनेटली आप रोल्टा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए इसका वॉकआउट की तरफ बढ़ते हैं। तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी यहाँ पे आपको वेब की मिलता है, डोमिनार के ब्रांडिंग आपको की के ऊपर दिख जाएगा। और ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये है ऑरोरा ग्रीन, जो डोमिनार 400 का स्पेशली बहुत ही प्रीमियम कलर है, बहुत ही खास लगता है। पूरा मेटालिक कलर है, एक्चुअली पूरा ही मेटालिक कलर, ग्लिटरी इफेक्ट इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा। और जो मैट ब्लैक कलर है वो तो अभी तक आया नहीं है, बट आई गेस वो दो ही कलर आपको यहाँ पे 2023 E20 मॉडल में देखने को मिलेगा। इग्निशन को यहाँ पे ऑन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जैसे इग्निशन को ऑन करते हो, फर्स्ट इसका फ्रंट में DRL आपको यहाँ पे जलता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट सेटअप दी गई है। और डोमिनार का जो डोमिनार एक इकलौता बाइक है जिसका जो हेडलाइट सेटअप है LED होने के बावजूद ये जो है काफ़ी तगड़ा सा थ्रो लेके आते हैं। और इसका एक बार लाइटिंग थ्रो मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अभी इसका साइड DRL आप देख पा रहे हो, और इसका मेन हेडलाइट को अभी ऑन कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये है इसका लो बीम। और आपको अगर हाई बीम ऑन करना है तो ये है इसका फुल लाइटिंग थ्रो, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इसका एग्जॉस्ट नोट भी आप सुन पा रहे हो, डुअल बैरल एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको इसका लाइटिंग थ्रो कैसा लगा वो भी आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको LED ब्लिंकर्स भी देखने को मिल जाएगा। इसको भी एक बार ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। तो LED ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्रंट में एक फुल्ली ट्रांसपेरेंट विंडस्क्रीन दिया गया है, काफ़ी हद तक विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करने वाला है। इधर आपको ग्रीन कलर में स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाएगा। इधर आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। और फ्रंट में आपको 43mm अपसाइड डाउन फोक भी मिलता है। USD सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया है। डुअल टोन कलर फिनिश में आपको यहाँ पे मडगार्ड देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अभी फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्सेसरीज ऑलरेडी कंपनी फिटेड लगा हुआ देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे आपको नकल गार्ड दिख रहा होगा, और ये नकल गार्ड आपको बहुत ही लाइक एक प्रीमियम नकल गार्ड यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको दिया गया है। काफ़ी स्टाइलिश है, नॉर्मली नकल गार्ड ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ ये जो विंडस्क्रीन है ये भी आपको कंपनी फिटेड लगा हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो क्रैश गार्ड देख पा रहे हो, जो बेसिकली आपका रेडिएटर को भी प्रोटेक्ट करने वाला है, ये भी आपको कंपनी फिटेड दिख रहा होगा। नीचे में आपका मेटल का इंजन बैच प्लेट भी दी गई है, ये भी डेफिनेटली काफ़ी हद तक आपका इंजन को जो है प्रोटेक्ट करने वाला है। और पीछे में आपको यहाँ पे टॉप रैक भी दिया गया है, ये भी आपका एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, बाइक के साथ ही आपको मिलेगा। जो ऑन रोड प्राइस है 279,000 अप्रॉक्सीमेटली, उसके साथ ही आपको यहाँ पे पिलियन बैक रेस्ट, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बैक रेस्ट भी कंपनी फिटेड मिल, और भी काफ़ी सारा एक्सेसरीज एक्चुअली है जो आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको दो हुक भी मिलता है जो अभी सीट के नीचे यहाँ पे लगा हुआ है,
तो इससे बेसिकली आप कुछ लगेज वगैरह जो है इसमें टांग सकते हो। दो हुक आपको बेसिकली इधर पे मिलता है और इधर में भी आपको हुक मिल जाता है। उसके साथ साथ 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। माइलेज की अगर बात करें तो लॉन्ग में आपको 30+ KMPL का माइलेज इस बाइक से मिल जाएगा। लोकल में अप्रॉक्सीमेटली आपको 25-27 KMPL का माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है। डोमिनर का 3D बैजिंग आपको क्रोम में यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके साथ साथ कंपनी फिटेड कार्बन फाइबर फिनिश वाला टैंक पैड भी दिया गया है और ये तो अभी E20 फ्यूल कंफर्टेबल हो चुकी है। मैट ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे इसका ऊपर कैप देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखा जाए तो टोटल 2 MID मिलता है। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख पा रहे हो ये तो आपको यहाँ पे मिलता ही। उसके साथ साथ यहाँ पर भी एक छोटा सा MID मिलता है जिसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर, आपका टाइम, ट्रिप 1 मीटर, ट्रिप 2 मीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, इन्फो वगैरह, ओडोमीटर, ट्रिप 1 मीटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और मेनू और सिलेक्ट बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये साइड पोर्शन आप देख पा रहे हो, टैंक जो है मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लगती है और काफ़ी मस्कुलर भी एक्चुअली ये बाइक है। बीम टाइप पेरीमीटर फ्रेम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 320mm का डिस्क मिलता है। बाइब्रिक कैलिपर के साथ डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा और टायर प्रोफाइल डेफिनेटली आपको यहाँ पे रेडियल टायर ही मिलता है। MRF रेपसी सीरीज़ का टायर है। 110/70 R17 का ट्यूबलेस टायर दिया गया है और डायमंड कट रिम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और डेफिनेटली रेडियल टायर है। और ये जो सस्पेंशन सेटअप आप देख पा रहे हो ये बेसिकली आपका इंड्योरेंस का सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 373.3 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड 4 वेल्व DOSC लेआउट के ऊपर बना है। पावर फिगर की अगर बात करें तो 40 PS की पावर मिलता है, 40 PS की आपको इसमें पावर मिलेगा और 35 Nm का टॉर्क मिलेगा। उसके साथ साथ लिक्विड कूल है तो यहाँ पर आपको फ्लैट रेडिएटर देखने को मिलता है, तो इधर आप देख पा रहे हो, और कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको मेटल का इंजन बेली पैन भी दिया गया है। रियलिटी कन्वर्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिलता है, तो 6-speed गियरबॉक्स के साथ आता है क्लच। इसका डेफिनेटली लाइट क्लच है ड्यू टू स्लिप एंड असिस्ट क्लच। उसके साथ साथ इस बाइक का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 157mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 800mm इस बाइक का सीट हाइट है और वेट की अगर बात करें तो 193 kg इस बाइक का वेट है। वेट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है बट ये वेट की वजह से ही ये बाइक जब हाईवे में दौड़ता है तो एकदम ही रोड चिपक के चलती है। फुटपैक वगैरह का जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डुअल बैरल एग्जॉस्ट, इसका एग्जॉस्ट नोट ऑलरेडी मैं आपको सुना चुका हूँ। पीछे में आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है। D400 का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और सीट यहाँ पे आपको मीडियम सॉफ्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं मिलता है, मीडियम सॉफ्ट है। पिलियन का सीट इतना स्पेस है और राइडर का सीट तो बहुत ज़्यादा स्पेसियस है। बाकी यहाँ पे पीछे में आपको टॉप रैक इंस्टॉल किया हुआ देखने को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड पे दिख जाएगा। पीछे में आपको 230 सेक्शन का डिस्क मिलता है, वो भी बाइब्रे कैलिपर के साथ डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड देखने को मिलता है और यहाँ पे कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है। उसके साथ साथ ये जो रियर टायर है आपका डेफिनेटली 150/60 R17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। हमारे रेपजे सीरीज़ का टायर, डायमंड कट रिम, उसके साथ साथ ट्यूबलेस टायर और ये आपका न्यू पैटर्न वाला रेपजे सीरीज़ का टायर है। उसके साथ साथ पीछे में आपको LED टेल लाइट भी मिलता है। चलिए इसको भी एक बार ऑन करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो LED टेल लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इधर आपका LED ब्लिंकर, नंबर प्लेट का लाइट भी आपको LED मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे एक दिया गया है, दोनों साइड पे 2 रिफ्लेक्टर मिलता है। इधर आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका साड़ी गार्ड दिख रहा होगा। चेन जो है फुली ओपन चेन है तो चेन को आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। 6-speed गियरबॉक्स है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 शिफ्टर मिलता है और साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाएगा। और इसका जो स्टैंड है एक बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल का बना है। हैंडल बार बहुत ही ज़्यादा वाइड है, मैट ब्लैक काइंड ऑफ आपको पाउडर कोटेड मैट ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे हैंडल बार दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, ये है आपका मेन हेडलाइट और DRL ऑन ऑफ करने का स्विच, ये है आपका सेल बटन, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच। एक बार हॉर्न भी सुन लेते हैं, सिंगल हॉर्न है बट बहुत ज़्यादा लाउड है। दिस इज़ द डिपर बटन। क्लच तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ड्यू टू स्लिप एंड असिस्ट क्लच काफ़ी लाइट क्लच है और बैकलेट स्विच पैनल तो इसमें आपको मिलता ही है। कंपनी फिटेड USB चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा और इधर आप GPS माउंट कर सकते हो। उसके साथ साथ ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा इसमें आपको रियल टाइम माइलेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सारा चीज़ इसमें देखने को मिल जाएगा। गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं वो भी देखने को मिल जाएगा। इधर आपको मिलता है टैकोमीटर, इधर आपका स्पीडोमीटर, इधर है आपका फ्यूल गेज। साइज 10 पड़ा हुआ है तो दिखा रहा है रिफ्यूल करने के लिए बोल रहा है। उसके साथ साथ और भी फीचर्स
लाइक आपको मिलता है डायनामिक एफसी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, उसके साथ साथ एवरेज फ्यूल कंजम्पशन 2 और साइड स्टैंड डाउन डायनामिक फ्यूल ए, आई गेस आपके इंस्टेंट आपको कितना फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है वो देखने को मिल जाएगा। सर्विस रिमाइंडर भी इसमें आपको देखने को मिलता है। टिल्ट लाइट्स की अगर बात करें तो इधर आपको ABS का सिग्नल मिलता है, न्यूट्रल का सिग्नल, इंजन माल फंक्शन, कोई भी एरर रहेगा तो शो करेगा, इंडिकेटर का सिग्नल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इधर आपका हाई बीम का सिग्नल, दिस इज़ द हाई शिफ्ट RPM लिमिटर का सिग्नल। मिरर तो डेफिनेटली काफ़ी स्टडी मिरर है, एल्युमिनियम फिनिश मिरर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पेशली इसका डिज़ाइन और इस मिरर में उतना ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं आता है, तो मिरर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। बाकी आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ जो मिसिंग है वो है हैजार्ड स्विच, जो आई गेस आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो डेफिनेटली, बट कंपनी अगर दे देता तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता। और बाकी जिस प्राइस पॉइंट में आ रहा है, जो एक्सेसरीज लगा हुआ आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली एक 400 cc वो भी आपका बजाज की तरफ से डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। बाकी कभी अगर मौका मिलता है तो इसका एक राइड रिव्यू भी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ राइड, टाटा गाइस, जय हिंद, बाय।